पिछले क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। पिछले में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे ना, तो अब ये उसकी उसी का आगे फर्दर कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहे हो। द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई आर लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन एंड बिलोंग टू द सेम रेसिडुअल क्लास आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। इफ द बिलोंग टू डिफरेंट रेसिडुअल क्लासेस आर कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पहले तो देख लें आप कि रेसिड्यू क्लासेस को कहते हैं जब होता है ना, ये देखो मॉड 5 है जिस तरह, ठीक है ना। इसके इम्पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, तो यही आपकी रेसिड्यू क्लास होती है, ठीक है। यानी कि जो रिमाइंडर्स होंगे पॉसिबल उनको आप रेसिड्यू क्लास भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इंटीजर्स विच सेटिस्फाई अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडल एंड बिलोंग टू द सेम रेसिड्यू क्लास, अगर वो तमाम सेम एक एक रेसिड्यू क्लास है जो सेम जिससे आ रहे हो, उनको आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। और अगर वो डिफरेंट यानी कि 0 से भी आ रहा हो, 2 से भी आ रहा हो, तो हम कहेंगे उनको कि वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस है। अच्छा एग्जांपल कराता हूँ ना, फिर समझ लगेगी क्या मतलब है इसका। ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये उसने कहा कि इसको बताओ कि जिसमें सॉल्यूशन कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा इनकॉन्ग्रुएंट है, बताओ। पहले आपने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप लेके चल रहे हो उसको, और कहाँ से कहाँ तक जाना है, मॉड 5 तक। मॉड 5 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4। तो मैंने ये पहले लिख के दिखा दिया, एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया यहाँ पे, तो 3 × 0 क्या होता है, 0। तो 0 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, मैंने लिखा कि 9 mod 5, क्यों कि जब 0 का आप 9 को तो जाके उससे माइनस करोगे 0 से, तो 0 − 9 क्या आ गया, −9। तो −9 तो डिविजिबल नहीं है 5 से, ठीक है ना। तो 0 आपके पास क्या आ गया कि वो जी कॉन्ग्रुएंट, ये चीज़ जो अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर आपने 1 पुट किया, तो 3 1 3, तो 3 1 3 −9 किया, तो −9 किया तो क्या है आपके पास, −6। तो यहाँ से फिर पता चल गया आपको कि जी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर इस तरह 6, यहाँ से 3 2 6, 6 − 9 किया तो −3, तो −3 फिर जो है वो डिविजिबल नहीं है इससे। फिर 3 3 9, 9 − 9 0, ये भी नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे 12 किया ये, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास सोल्यूशन जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सॉरी, ये तमाम जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, इनमें से कोई आया नहीं आपके पास। यहाँ पे अब अगली देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही 0, 1, 2, 3, 4 पुट किया आपने, क्योंकि मॉड 5 तक ही आई है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो नहीं आएंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे देखें 4 3 इधर क्या आता है, 12, 12 −7, जब 7 तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 12 −7 क्या हो गया, 5, 5 डिविजिबल है 5 से, ये मॉड 5 से। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जी ये कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आया आपके पास एक। देर विल बी अदर चॉइसिस आपके पास, इसके अलावा भी यानी x इज इक्वल टू 3 के अलावा भी चॉइसिस हो सकती हैं, क्या कौन सी, एज वेल बट दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू x इज इक्वल टू 3। लेकिन जब होंगे x, जो अदर चॉइसिस होंगी इसके अलावा जो होंगी चॉइसिस, वो x इक्वल टू 3 के कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, ठीक है ना। कहाँ से, बाय रेसिडुअल क्लास से। यानी कि आप ये देख लें कि ये मॉड 5 है, अगर आप यानी कि ये तो आपके पास आ गया ना एक कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, आपके पास आ गया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आ गया हुआ। अब आगे पास मॉड 5 है, तो अगर आप 5 ऐड करते जाएं सबके अंदर, आगे वाले नंबर्स के अंदर, तो जो जो नंबर आएंगे आपके पास वो एक रेजिड्यू क्लास आपकी बन जाएगी 3 के लिए, तो वो 3 के कॉन्ग्रुएंट ही होगी। मतलब कि 3 के बाद अगर 5 ऐड करें तो 8 आ गया, 8 के बाद 5 ऐड किया 13, 13 के बाद इस तरह, तो ये चलता जाएगा, इसी तरह पीछे भी चलता जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से अगर आपको कुछ चेक करना है कि आपको को लग रहा है कि नहीं है जी, तो इसमें अगर आप पुट करके देख लें तो 4 × 8 क्या हो गया, 32। तो 32 −7 क्या आ गया आपके पास, 32 −7 आया आपके पास 25, ठीक है ना। तो 25 आपको पता 5 से डिविजिबल है, ये मॉड 5 से। तो इसी तरह जो भी आप नंबर यहाँ से उठाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है 3 के, ठीक है ना। तो आपके पास वो रेसिड्यू क्लास में लिखा जा सकता है इस तरह तमाम, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 3 आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, बाय मेकिंग रेसिड्यू क्लास एक्स इज इक्वल टू 3 इज द ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन जो आपके पास आया वो 3 आया है, ठीक है ना। आपने यहाँ क्वेश्चन में ये बताना है कि इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कौन सा है। उसके बाद अगर वो पूछ ले कि कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो ये भी आप फिर आप ये बताएंगे, ठीक
ठीक है ना, दिस सेट कंटेन ऑल द कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस ऑफ जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था, इसके ये तमाम कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस हैं, और जो आपके पास ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपके पास चला है यहाँ से एक्स इक्वल टू थ्री, वो आपके पास क्या है, इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही रेजिड्यू क्लास से बिलोंग कर, इफ दे बिलोंग टू, यहाँ पे देखो अगर वो तमाम एक ही रेजिड्यू क्लास यानी कि एक्स इक्वल टू थ्री से ही बिलोंग कर रहे हैं ना वो तमाम, तो तब वो कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे, और अगर वो डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस से होंगे तो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट वो कब होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से डिफरेंट में तो आया नहीं, सिर्फ एक से ही आया, ठीक है ना, तो एक से ही आया तो एक ही इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन आएगा आपके पास। इसको थोड़ा आगे चलते हैं, अभी और एग्जांपल अच्छी तरह समझ आता जाएगा आपको, ठीक है, क्या कह रहा है वो, 8x इज कॉन्ग्रेंट टू 10 mod 6, हिट एंड ट्रायल मेथड सारा दोबारा किया, तो कहाँ कहाँ जो है कॉन्ग्रेंसी आ रही, कहाँ कहाँ नहीं आ रही, वो देखना है आपने, जीरो पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया इसके अंदर ना, तो ये सारे आपके पास आ गए यहाँ पे, और ये मॉड 6 ये 10 ऐसे, तो आप यहाँ से कॉन्ग्रेंसी चेक कर रहे हो, तो यहाँ से माइनस करना है उधर जाके, तो यहाँ पे देखो कि अगर ये हो 8 × 2 पे 16 हो गया, तो 16 − 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 − 10 क्या होता है, 6, वो आपको पता है डिविजिबल है मॉड 6 से, ठीक है ना, तो ये आपके पास पता चल रहा है कि जी कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन एक ही है। उसके बाद यहाँ पे आओ उधर, तो ये 40 − 10 30 हो गया, तो 30 भी डिविजिबल है 6 से, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, सो देर आर टू इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एज टू। अच्छा अब देखोगे वो जो कह रहा था ना कि इनकॉन्ग्रुएंसी का, यहाँ पे इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस आर कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है ना, रेजिड्यू क्लासेस डिफरेंट आ गई नहीं यहाँ पे, कौन कौन सी रेजिड्यू क्लासेस आई है, ये देखो रेजिड्यू क्लासेस ये है ना मॉड 6 की 5 तक, तो इनमें कौन कौन सी आई है, 2 और 5 आई है आपके पास, 2 और 5 में आप देखो कि 2 अब इनकॉन्ग्रेंट दिखाना था ना हमने, तो 2 और 5 को यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पे 2 और 5 की जगह यहाँ पर रख के देखो मॉड 6 के लिए, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 2 − 5 क्या होता है, 3, -3 तो डिविजिबल नहीं है 6 से, ठीक है ना, तो क्या नाम लेते हैं यहाँ से आपको बच्चा रहा, सो देर आर टू इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन एज 2 is not congruent to 5 mod 6, ठीक है ना, और कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन कौन कौन से होंगे, वही जो आपने पीछे किया यहाँ पर रेजिड्यू क्लास के अंदर, ये 3 की जिस तरह बनाई है इसी तरह 2 और 5 की भी बनाओगे, यहाँ पे 2 और 5 के लिए आप क्या कर रहे हो, पहले 2 की बनाई है आपने, तो 2 तो आएगा और 5 भी आएगा, जब 5 की बनाओगे तो 5 भी आएगा, उसके अलावा कौन कौन से आएंगे, मॉड 6 के लिए कर रहे हो आप, तो 6 ऐड होता जाएगा हर किसी में, तो इसमें 6 ऐड हुआ 8, 14 चलता जाएगा ऐसे, फिर पीछे चलते जाओगे ऐसे, तो ये आपके पास रेजिड्यू क्लास आ गई, ठीक है ना, इसको भी पुट करोगे तो वो भी मॉड 6 के लिए है होगा, ठीक है ना, जिस तरह अब ये यहाँ पे मैं पुट कर लूँ 8 × 8 तो 64 हो जाएगा, 64 − 10 तो वो आ जाएगा 54, तो वो 6 9 6 से डिविजिबल होता है, 6 9 = 54 होता है, ठीक है ना, तो इसी तरह ये 5 के लिए भी बनाओगे तो वो मॉड 6 के लिए बनेगी, 2 के लिए भी बनाओगे तो मॉड 6 के लिए रेजिड्यू क्लास आपके पास बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये 4.7 मैंने लिखा है, 4.7 नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो यानी कि उसमें सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन बता रहा था, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जा रहे हैं, तो एक मैं करा देता हूँ आपको, ये 4.7 आपने खुद ही बुक से फिर देख लेना, ठीक है ना, तो प्रूव दैट द लीनियर कॉन्ग्रेंस AX इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम हैज अ सॉल्यूशन इफ डी डिवाइड्स बी, वेयर डी जो है आपके पास जीसीडी है ए और एम का, ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या काम है इसमें देखो ना, दो एंड इफ एंड ओनली इफ वाला चक्कर है, तो पहले हम ये लेके चलेंगे, सपोज दैट AX इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम, ठीक है ना, तो आपके पास वो क्या कह रहा है, हैज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है उसका कोई, तो हमने सपोज कर लिया कि क्या सोल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू X1, एक कोई सोल्यूशन है, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर लिया कि वो X1 एक और सोल्यूशन है उसका, तो अगर हम X1 आ गया तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने, AX1 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ठीक है ना, तो अब क्या यहाँ से आपको सारे पिछले लेक्चर्स अब आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, हर चीज़ सारी प्रॉपर्टीज यूज होनी है, क्या आपको पता कि एम डिवाइड करेगा फिर AX − B को भी, जिस तरह ये पीछे कर रहे थे यहाँ पर भी, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि 16 − 10 डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना, 16 − 10 और 6 तो वो 6 डिविजिबल है 6 से, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखो AX1 − B जो होगा वो डिविजिबल होगा ना m से, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया m डिवाइड्स AX1 − B, ठीक है ना, AX- अब यहाँ से दोबारा एक और प्रॉपर्टी लग रही है कि AX − B को हम एज अ मल्टीपल किसी के भी लिख सकते हैं, m का कोई भी मल्टीपल हो जाए तो वो हम लिख सकते हैं उसको, यहाँ पे t कोई भी इंटीजर है एक, AX − 1 AX − B इज इक्वल टू एम टी लिख दिया हमने। अच्छा एज एम डिवाइड AX − B सो ये मैंने लिख भी दिया AX
एक्स माइनस बी कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ सम अदर नंबर, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे आपके लिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो, हमें असल में चाहिए क्या क्वेश्चन में, क्या चाहिए, डी डिवाइड बी चाहिए यहाँ से हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको क्या क्या लिया, हमने बी को उधर ले गए, बी को उधर ले गए क्योंकि हमने दिखाना है ये असल में कि वो डी जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को। तो उसके लिए हमने बी को साइड पे ले गए, एम टी उधर चला गया, तो ए एक्स वन माइनस एम टी इज इक्वल टू बी लिख दिया हमने, ठीक है ना। इसको हमने क्या दिया, ये वन है, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज इक्वल टू जी सी डी जो है वो ए एम के इक्वल है, एज डी इज इक्वल टू ए एम जी सी डी जो होगा। तो आपको पता है जी सी डी का अगर हो तो डी डिवाइड करेगा ए को भी और डी डिवाइड करेगा एम को भी, ये जी सी डी की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। अच्छा जब वो करेगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ डी डिवाइड कर रहे हैं ए को तो ए के साथ जिस तरह यहाँ पे भी कोई मल्टीपल डाला है हमने, यहाँ पे भी कोई लिख दें हम अपनी मर्जी से तो वो उनको भी डिवाइड करेगा ही, जारी बात है। यहाँ पे भी ऐसे मल्टीपल लिख दें तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ए एक्स वन लिख दिया, यहाँ पे एम टी लिख दिया, ठीक है ना। तो उन दोनों को भी डिवाइड करेगा डी, तो जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा वो, ठीक है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो सो इट विल डिवाइड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या दो चीजें आ सकती हैं, या तो प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया क्योंकि हमें चाहिए ये माइनस। तो हमने क्या कह दिया कि डी जो होगा वो डिवाइड करेगा ए एक्स वन माइनस एम टी को, और ए एक्स वन माइनस एम टी क्या है हमारे पास, यहाँ पे बी है वो। तो यही तो हमने प्रूव करना था यहाँ से कि डी डिवाइड करे बी को, ये पहली चीज ही हमने प्रूव करनी थी ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो हमने प्रूव कर दी कि डी डिवाइड करेगा बी को। अब हमने जाना इफ एंड ओनली इफ का केस है ना, तो उल्टा चलना है अपने, कन्वर्सली लेके चलेंगे, ठीक है ना। कन्वर्सली में क्या है, फिर अगर डी डिवाइड कर रहा है बी को तो आपको पता है फिर बी इज इक्वल टू कोई भी लिख सकते हैं आप, बी इज इक्वल टू डी क्यू लिख दिए यहाँ पे, क्यू कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पता है गिवन है क्वेश्चन में कि एज डी इज इक्वल टू ए एम जी सी डी है उनका। तो यहाँ पे दोबारा फिर आ गया कि हम ए ए इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं इन दोनों के नंबर के। तो ए एल और एम एन कोई भी नंबर ले लिया, एल और एम कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, इनके साथ वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी इंटीजर ही देंगे, ठीक है ना। तो ए एल प्लस एम एन लिख दिया मैंने, और क्या नाम लेते हैं फिर आगे क्या, ए एल और एम एन को हमने किसी भी कोई क्यू एक इंटीजर था, जो ये डी की जगह हमने वो लिख दिया ना, डी की वैल्यू की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे, तो हमने उनको क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डी की वैल्यू ये थी ना ए एल प्लस एम एन, तो उसके हमने पुट किया यहाँ पे उसकी जगह, तो डी की हमने वैल्यू पुट की, तो ये क्या आया हमारे पास, ए एल प्लस एम एन इंटू क्यू यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो अब ए एल और ये एम ये जो है क्यू इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या लिख दिया, ये एल और क्यू कोई दो इंटीजर है तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। इसी तरह ही एम को बाहर रख के एन और क्यू जो है हमारे पास दो कोई इंटीजर है, उनको आपस में रख दिया ऐसे हम, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी माइनस सॉरी ए एल क्यू माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू, अब एम उधर चला जाएगा ना, एम माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, तो एम माइनस एम इंटू एन क्यू बन जाएगा वो। तो वो माइनस जो होगा वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसके तो अंदर भी हो रहा हो तो उसके साथ भी लिख सकते हैं हम। तो एन माइनस एन क्यू को तो हमने कह दिया कि वो एक पी है कोई भी, और एल क्यू को हमने कह दिया एक्स वन है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए ना, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमने बनाना प्रूफ के हिसाब से, ये यहाँ से हमने ये एक्स वन माइनस बी हमें चाहिए, तो हमने इस हिसाब से जो है वो बना लिया अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ए एक्स वन माइनस बी इज इक्वल टू एम इन टू पी, ठीक है ना। तो ये भी कोई इंटीजर है पी, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल रहा है कि एम डिवाइड करेगा ना एल क्यू के को, हमने क्या किया कि वो एक्स वन है, ये हमने लिखा नहीं है लिख देना, एल वन एल क्यू के हमारे पास एक एक्स वन है कोई इंटीजर, तो ए एक्स वन माइनस बी, तो यहाँ पे वो जो होता है एम जो होता है वो डिवाइड करेगा ना फिर ए एक्स वन माइनस बी को, जिस तरह पीछे भी आपको करके दिखाया हुआ यहाँ पे, ये यहाँ से आपको पता चल रहा है एम डिवाइड कर रहा है ए एक्स माइनस ए एक्स वन माइनस बी। तो यही तो हमने प्रूव करनी थी चीज़। तो उसके बाद आगे क्या आ गया, ये क्वेश्चन का स्टार्ट जो हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ से कि प्रूव कर, यहाँ से ये चीज़ प्रूव करनी है कॉन्ग्रेंसी। तो यहाँ से जब हमारे पास ए एक्स वन माइनस बी आ गया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं दोबारा इस फॉर्म में, कॉन्ग्रेंसी के फॉर्म में, ये ए एक्स वन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये एक प्रूफ था। दूसरा इसका सिमिलर प्रूफ है इससे, उन उसका भी यूज होगा आगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। तो वो आप लोगों ने 4.7 है वो खुद करना है आप लोगों ने।
बुक के अंदर गिवन है, 4.7 पहला ही प्रूव है, वो आप लोगों ने देख लेना। हाउ मेनी सोल्यूशन आर देयर टू ईच कॉन्ग्रेंस, तो ईच कॉन्ग्रेंस के लिए वो कह रहा है हर इस कॉन्ग्रेंस के लिए कितने सोल्यूशन जो है वो आपके पास गिवन है। सोल्यूशन ही आपने निकालने होते हैं। इसको अगर आप चेक करें तो हमारे पास क्या है, ये ए है असल में, ये बी है, ये एम है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो होती है वो कॉन्ग्रेंसी की इक्वेशन, लीनियर कॉन्ग्रेंसी की, ए एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, हमने जो जीसीडी लेना है पहले, हमने जो अभी प्रूव किया जिस तरह उसमें हमने बताया ना कि डी जो होगा वो ए एम के इक्वल है, तो ए ये और एम ये है, तो 15 और 35 ये हो गया, इनका जीसीडी क्या आएगा दोनों का, 5 आपको नजर भी आ रहा है, 5 आएगा। तो यहाँ से हमने क्या शो कराया, एस डी डिवाइड्स बी, क्वेश्चन प्रूफ के अंदर अभी पीछे करके दिखाया कि एस डी डिवाइड्स बी, तो यहाँ डी क्या है हमारे पास, 5 है, वो डिवाइड करा बी को, ये बी 25 था आपके पास। तो ये जो चीज है ना आपके पास जो डी आता है वो बताएगा कि कितने इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है आपके। सो देर आर 5 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन, इसने यहाँ ये पूछा था कितने इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है, तो 5 है बस। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये आपके पास जो है लीनियर कॉन्ग्रेंस, सॉल्व, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करना है लीनियर कॉन्ग्रेंस को। इसके लिए आपको ध्यान से देखना है हर चीज को, यही आगे क्वेश्चंस के अंदर आएगी कि सॉल्व करो लीनियर कॉन्ग्रेंस को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पहले 17 को हमने क्या दिया, वो ए है, ये बी है, ये एम है, आपको पता है, ये जीसीडी निकाला पहले हमने 17 और 276 का, ए और एम का निकालना है ना, 17 और 276 का जीसीडी निकाला। तो दोबारा वो पुराने मेथड की तरफ जा रहे हैं, हर चीज पुरानी चीज से रिलेट करेगी, तो पिछली चीजें आती होंगी तो ही अगली चीजें आनी, इसी वजह से मैं तब से आपको फोकस कर रहा हूँ कि पिछली चीजें कर लें अच्छी तरह। तो ये कौन सा आपको ये मेथड आपको याद हो, ये कौन सा मेथड है वाला, ये मेथड है यूक्लिडियन एल्गोरिदम वाला, क्या करते थे, सिंपल है, 276 डिविजिबल है 17 से, तो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 16 × 17 + 4, ठीक है ना, ये रिमाइंडर आता है हमारे पास। तो फिर जो चीज होती है यहाँ की उसको यहाँ पर उठा के लिख देते हैं और रिमाइंडर को यहाँ पे ले आते होते हैं, ये सारा आपको मैंने मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उससे पिछले वाली वैल्यू हम देखते हैं कि उसका रिमाइंडर हाईएस्ट कौन सा था, तो वो वही हमारा जीसीडी होता है। तो यहाँ पे देख लें वो जीसीडी क्या आया, इन दोनों का 1 आया, ठीक है। आपको पता है डी डिवाइड करना चाहिए बी को, एस डी डिवाइड बी, तो यहाँ पे डी क्या आया हमारे पास, जीसीडी यही है ना, डी 1 जो है वो डिवाइड करना चाहिए बी को, तो बी आपके पास 9 है, तो 1 डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है ना। एंड 17x इज कॉन्ग्रेंट टू, ये जो ये क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि यहाँ से आपको बचा रहा ना डी ए आया, 1 आया, तो इसके कितने फिर सोल्यूशन होंगे, जिस तरह यहाँ पे पिछले वाले के क्या आया था, ये 5 थे, तो उसके 5 आए थे इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। अब आपने चलना है लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ, के लीनियर कॉम्बिनेशन वो क्या होता है उनका, तो ये वो उल्टा रिवर्स प्रोसेस जो होता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम का, यहाँ से 1 से आप शुरू करेंगे, तो 1 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 17 − 4 × 4, और फिर दोबारा 4 को आप किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से 276 − 16 × 17, ये लिख दिया मैंने, तो जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और ये −4 इसका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 64 × 17, और ये 1 17 पड़ा हुआ है, तो ये क्या आया आपके पास, 65 × 17 − 4 × 276, तो ये 65 × 17 को आप क्या लिख सकते हैं, या 1 है तो 1 + 4 × 276 के तौर पर आप लिख सकते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन वी नीड सोल्यूशन एंड 17 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या चाहिए था 17, तो इसी वजह से मैं 17 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, ठीक है ना। और कह रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन वी नीड अ सॉल्यूशन, है हमें एक सॉल्यूशन चाहिए कोई, असल में हम यही चाह रहे हैं ना, एक सॉल्यूशन हमें एक चाहिए, ठीक है ना। तो जिस तरह प्रूफ में भी दिखाया कि एक सॉल्यूशन चाहिए x = x1, कोई सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो कि 17 × 65 को हम लिख सकते हैं ये mod 276। अब ये देखो कि 276 का जब हम मॉड ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 1 तो वैसे ही जो है वो रिमाइंडर के तौर पे आ गया उसके, तो वो तो हमें छोटा इससे, तो उस जो नंबर 276 से छोटा होगा उससे हमें यहाँ पे गरज नहीं होगी, ये इसके लिए हम बाद में करेंगे, ये नंबर हालांकि बेशक बड़ा है लेकिन ये हम बाद में करेंगे इसके लिए, मॉड 276 के लिए। यहाँ पे देखो ये मल्टीपल आ रहा है इसका 276 का, तो जब भी कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो वो एंड पे रिमाइंडर तक जा सकते हैं उसके, तो रिमाइंडर वो क्या आया हुआ है, 0 आ गया उसका रिमाइंडर, तो जब 0 आ गया तो खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1 mod 276, और ये 17 × 65 आपके पास बचा हुआ। अब क्या हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, क्वेश्चन के हमें ये चाहिए, ये 9 तक जाना है हमने, ये बी हमारा 9 पे आना चाहिए, तो अब दोनों साइड्स पे अगर हम बी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 9 मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, तो जो जो प्रॉपर्टी है दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ, ए सी और बी सी वाली जो प्रॉपर्टी थी,
मॉड के लिए, तो हम कर सकते हैं ना वो। तो 17 × 65 था, तो मल्टीप्लाई किया 9 से यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9 से, दोनों साइड में जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया 9 से, तो क्या आया हमारे पास, बी तो आ गया 9 जो हम चाह रहे थे। उसके बाद हमने इसके लिए हमने mod 276 को लिए करना है हमने, ठीक है ना। सोल्यूशन हम जो निकालना है वो एक्स का था ना, वो एक्स कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो हमने वो देखना है कि सोल्यूशन क्या है वो। तो 17 × 65 × 9, तो वो क्या बना हमें हमारे पास, 17 तो हमारे पास था ना, 17x ये क्वेश्चन के अंदर था, ये 17x, और x की हमने वैल्यू निकाली है, वो क्या है सोल्यूशन क्या है हमारे पास, वो ये यहाँ पे क्या आया, 65 × 9 क्या होता है हमारे पास, 585। mod 276 के लिए देखा हमने, तो जब देखेंगे तो हमारे पास आएगा वो 33, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया 33, तो आपके पास आ गया एक सोल्यूशन, आ गया आपके पास x = 33 इज द ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके लिए आप फिर कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन अगर आपको कह के निकालो, तो कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आपको पता है 33 के क्लास निकालेंगे, रेजिड्यू क्लास, वही जो आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई है। इस तरीके के जरिए x = x1 + km, के आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, 276 आपके पास जो है वो मॉड है, और 33 आपके पास आ गया वो एक सोल्यूशन। तो उसके अलावा आपके पास रेजिड्यू क्लासेज जो होंगी वो कॉन्ग्रुएंस क्लास आपके पास 33 ही की बनेगी। तो 33 + mod 276 आप करेंगे, तो 33 + 276 अगला नंबर 309 आया। इसी तरह +276 करोगे, इसी तरह यहाँ पे पीछे करते जाओगे -276, तो आपके पास एक रेजिड्यू क्लास आ गई 33 की, ठीक है ना। तो वो एक सॉरी कॉन्ग्रुएंस क्लास आ गई 33 की। तो अगर आपको पास वो कहे कि कॉन्ग्रुएंस निकालो भी, कॉन्ग्रुएंस भी अगर कहा होगा तो आप यहाँ से कॉन्ग्रुएंस भी निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस वो कह रहा है कि निकालो, और क्या नाम लेते हैं वो बताने भी हैं फिर वो कि कौन कौन से हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। खाली ये नहीं कहा कि वो कितने हैं इनकॉन्ग्रुएंट, उसमें ये भी बताना है कि कौन कौन से हैं वो। ये दोबारा वहीं से स्टार्ट हुआ, a = 18, b = 30, और m आपके पास 42। आपको पता है जी से डी दोनों का आपने निकालना है, तो 6 आ गया, तो डी डिवाइड करना चाहिए बी को, तो 6 मस्ट डिवाइड करे बी को, तो आपके पास आ गया ये, तो आपके पास आ गया, क्योंकि 6 डिवाइड कर रहा है 30 को, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन होगा, और 6 आपके पास यहाँ से बचा रहा है, इन 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये एक और प्रॉपर्टी है, ये 4.7 की जो थ्योरम है ना, ये उसी की प्रॉपर्टी है ये, कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, तो अगर उनको तीन तीनों जो नंबर है वो डिविजिबल हो किसी भी नंबर के, तो हम लिख सकते हैं उनको। तो यहाँ पे देखो ये ए बी और डी जो है वो, ए बी और एम जो है वो तीनों डिविजिबल है 6 से, 18, 30 और 42 से, ठीक है ना। तो ये तीनों डिविजिबल है 6 से, तो हमने डिवाइड कर दिया तीनों को, तो आंसर क्या आया, 3x is congruent to 5 mod 7। पहली क्वेश्चन ये बना ली, दूसरी क्वेश्चन हमने ये बना ली, ठीक है ना। अब अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएंगे तो वो भी इजी है, वो भी देखने पुट द वैल्यू, दो तरीके हैं ना, पहले हिट एंड ट्रायल से करके पुट द वैल्यूज ऑफ, अब कहाँ तक है mod 7 तक ना, तो mod 7 के लिए आपने 0 से 6 तक जाना है। तो 0 से 6 तक आपको मैं अब करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया था, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है ना, ये जो चीज़ आपको करके दिखाई थी, इसमें से कौन कौन सा आ रहा है आपके पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, वो आपने बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे सारे नहीं करके दिखाए मैंने, डायरेक्ट आपको बता दिया कि 4 के लिए इनकॉन्ग्रुएंसी आ रही है, तो 3 4 12 होता है, 12 - 5 क्या होता है 7, तो 7 जो है आपका डिविजिबल है 7 से, तो आपके पास आ गया, सो x = 4, एक सोल्यूशन आ गया आपके पास, एक सोल्यूशन आ गया आपके पास 1 और 2 का, जो सोल्यूशन इसका होगा वही सोल्यूशन इसका होगा ना, क्योंकि अब डिविजिबल है ये जो चीज़ है वो डिविजिबल होगी 6 से, तो वो भी क्या नाम लेते हैं वो भी एक सोल्यूशन देगी, तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो जाहिर बात है वो भी इसी का सोल्यूशन होगा, तो असल में हम इसी के लिए निकाल रहे हैं इसको लेके। तो वो x = 4 एक सोल्यूशन है 1 और 2 का। नाउ फ्रॉम थ्योरम 4.7 वी हैव, अब थ्योरम जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, जब एक सोल्यूशन आ गया हुआ है तो हम उससे मजीद जो दूसरे सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो x = x1 + m/d (p·m), ये थ्योरम थ्योरम गिवन है आपके पास, ये आप लोग देख लेना अच्छी तरह, मैं पहले भी आपको बताया। तो x1 जो है आपके पास आ गया वह एक सोल्यूशन 4 है वो, m आप लोगों के पास क्या है 42, d आप लोगों के पास क्या है 6, और ये p है, तो p कहाँ से आप ले सकते हैं, ये मॉड m 42, m आपके पास 42 है, तो आप p कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, p आप ले सकते हैं d-1 तक, d-1 d के आपके पास 6 है, तो 6-1 तक आप ले सकते हैं, तो 0 से लेकर 5 तक बनना पी आपका,
तो पी आपके पास यहाँ जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, या डिवाइड किया 6 7 42 होता 7 आ गया, पी की आप वैल्यूज पुट करते थे 0 से 5 तक, तो आपके पास ये, आपके पास असल में क्वेश्चन में क्या आ गया हुआ था, यहाँ पे बता दिया था उसने, ये निकाले थे आपने, ये 6 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन आपके यहाँ से आपके पास बनने थे। ये उसने यही कहा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे आगे हुए थे 6 आगे हुए थे, आपको पता था। तो 6 वो हैं कौन कौन से, 6 इनकॉन्ग्रेंट वो ये हैं, तो आपने ये निकाल लिया कि ये 6 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन हैं उसके, ठीक है ना, समझ आई इस चीज की। यहाँ पे इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन आपने निकालने को कहा है, और कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन निकालने को कहा है, इनकॉन्ग्रेंसी आपने यहाँ से चेक की, कॉन्ग्रेंट अगर कहते तो 4 के आगे आपने फिर क्या नाम लेते हैं, रेजिड्यू क्लास आपने बना लेनी है, ये जिस तरह यहाँ पे 33 की मैंने बनाई है रेजिड्यू क्लास, और इसी तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर भी डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस आपको बना के दिखाई है मैंने, तो ये 2 और 5 के जिस तरह बना के दिखाई है आपको, तो ये आप लोग जितने आप लोग ये यहाँ से रेजिड्यू क्लासेस आप लोग क्वेश्चंस के अंदर बनाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके पास गिवन है यहाँ पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये ना, थोड़े डिफरेंट मेथड से किए हैं, आप लोग देखना, अगर आप लोगों को ये आसान लगता तो ये कर लें, नहीं तो आप लोग मेरे मेथड से ही कर लें, ठीक है ना। तो ये उसने कहा हुआ था यहाँ पे भी कि लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ से उसने डायरेक्ट ये निकाल के दिखा दिया, अगर आपको समझ आती है तो ये समझ लें, नहीं तो मेरे मेथड से जो है वो देख लें आप लोग। इसमें थोड़ा डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक चीज करके थ्योरम अप्लाई करके, एक एक चीज ये वाला जो थ्योरम है ये अप्लाई कर करके आपको हर जगह बताया, उसमें वहाँ अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। एक दफा आप लोग एक दो दफा कर लेंगे फिर आप लोगों को खुद ही डायरेक्ट भी करना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है अच्छा, और कल जो होगा वो थोड़े करेंगे, उसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन की जो होगी लीनियर कॉन्ग्रुएंसी वो हम निकालने की तरफ जाएंगे, ठीक है, कल वो करेंगे। और उसके बाद एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो इसी से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा यहाँ तक जो होगा आपका मिड तक का टॉपिक होगा, वो मिड के वैसे आगे तक खाने थे आपके, लेकिन मैंने जो है वो आप लोगों को जो है जहाँ तक ही जाने दिया ताकि इतना मसला ना हो आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जो होगा आप कोई क्वेश्चन है तो पूछें, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे, ये देख लें आप लोग कि जी हर चीज़ जो होगी वो पिछले रिजल्ट से ही आनी है,